वेलकम टू यूट्यूब चैनल जयरा पड्डा। आई एम योर लॉजिक एजुकेटर विशांत सर। कैसे हैं आप? आई सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। आई एम विशांत सर, लॉ एजुकेटर ऑफ जयरा पड्डा, डन LLB LLM इन क्रिमिनल लॉ, क्वालिफाई UGC नेट इन दिसंबर 2022 मैं फर्स्ट अटेम्प्ट, करेंटली वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन कानपुर। देखो, जयरा पड्डा का प्रीमियम बैच ऑलरेडी लॉन्च हो गया, खत्म भी होने वाला। लास्ट की 4 यूनिट में चल रही है इस समय, और दिसंबर 20 दिसंबर सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं उनके साथ रिवीजन क्लासेस भी करूंगा। आप लोग अगर लास्ट में आना चाहते हैं तो आप लोग अभी भी आ सकते हैं। आपको 12 मंथ की वैलिडिटी मिलेगी कोर्स। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज सारे सब्जेक्ट्स की लॉन्च हो चुकी हैं। 10 फुल मॉक टेस्ट उसमें मिल रहे हैं। बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन है, सब चीज़ें बहुत ही बेटर तरीके से करी गई हैं, आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, लॉ का पेपर अगर आपको लेना है तो लॉ का भी आप जाएंगे तो आप टेस्ट सीरीज का ऐप में जाकर लॉ सर्च करके टेस्ट सीरीज वाले सब्जेक्ट में जाके वहाँ बाय करके आप लोग ले सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल फीस पर मॉक टेस्ट, 10 मॉक टेस्ट आपको लॉ पेपर के भी मिलेंगे। जनरल पेपर का क्रैश कोर्स आ चुका है, पेपर 1 का। 30 डेज का स्ट्रेटेजी के साथ पूरा कोर्स आ रहा है। 30 दिनों में के लिए आप आइए। 1499 कॉस्ट होने वाला है। क्रैश कोर्स आएगा, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक दोनों चीज़ें उसमें होंगी। आप सभी लोग देख सकते हैं और ले सकते हैं। देखिए, आज की हमारी क्लास का, जैसे कि मैंने आपको शेड्यूल बताया था कि अब मैं आपके साथ हर दिन, जब तक मॉक आप मैराथन का शेड्यूल में बताता हूँ अभी आपको, फिर हर दिन मैं एक कॉन्सेप्ट डील करूंगा, छोटा सा कोई कॉन्सेप्ट बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में, और उसके साथ कुछ क्वेश्चन भी उसी यूनिट के कराऊंगा। उसी हिसाब से आज इंटरनेशनल लॉ की यूनिट के क्वेश्चन मैं आपके साथ लेके, ठीक है? ये मैराथन के शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हैं। और रोज मेरी क्लासेस 9:30 बजे होती है। आप लोग प्लीज मेरा एक काम, आप लोग काम करिएगा, UGC नेट लॉ बाय JRF अड्डा जरूर ज्वाइन कर लीजिए। जैसे कि मैंने इस समय मैं इंटरनेशनल लॉ की मैं आपको तैयारी करा रहा हूँ, तो इंटरनेशनल लॉ की जो पहले की वीडियोस थी मेरी अपलोडेड, वो भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ ग्रुप में। जैसे कि कल मैंने शेयर करी थी ग्रुप में UGC नेट लॉ बाय JRF अड्डा, तो बच्चों को बड़ा फायदा ऐसे मिलेगा। और उसके बाद हम लोग मैराथन कर लेंगे। 1 दिसंबर को मैराथन आ रही है इंटरनेशनल लॉ प्लस जुरिसप्रूडेंस के मिलाकर, उस दिन सब चीज़ें हम लोग मिला के करेंगे। तब तक हम लोग रोज 9:30 बजे आया करेंगे। कौन कौन दिन किस किस डेज में आएंगे? मंडे को आऊंगा मैं, वेडनेसडे को आऊंगा, थर्सडे आऊंगा, फ्राइडे आऊंगा, ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं आएंगे। तो मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे हमारी क्लास होगी, ठीक है? देखिए, तो सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ आज हम लोगों को पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत क्वेश्चन आते हैं, केस लॉ से पूछे जाते हैं, कुछ केस लॉ भी मैंने सोचा आप लोगों को बता दें। सारे तो नहीं बता सकता इस इतने एक वीडियो में, लंबी ड्यूरेशन हो जाएगी। लेकिन पहले इंपॉर्टेंट की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंस की इंटरनेशनल कस्टम्स आता है। ये सबसे पुराना है, पुराना सोर्स है इंटरनेशनल लॉ। जबकि अगर मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन आएगा। अगर हम आर्टिकल 38 पढ़ते हैं इंटरनेशनल कोड ऑफ स्टेट्स का, वहां पर ये फर्स्ट नंबर पे है, उसके बाद इंटरनेशनल कस्टम्स है। लेकिन इंटरनेशनल कस्टम्स जो सबसे पुराना सोर्स माना जाता है, तो बहुत ही प्रोमिनेंट सोर्स है। यूजेज ऑफ कस्टम्स अगर आए तो यहाँ कस्टम पर एप्लीकेबल, यूजेज पे नहीं होता है, ठीक है? तो ये इंटरनेशनल कस्टम्स है। एक केस हुआ था पॉकेट हवाना केस। उसमें क्या हुआ था कि देर वॉज यूनिफॉर्म प्रैक्टिस, एक प्रैक्टिस थी कि अगर कभी कोई लड़ाई हो भी गई है तो जो वहां के स्मॉल फिशिंग वेसल्स थे, मछुआरे थे, अगर कंट्री में लड़ाई हो भी गई तब भी उनको मछली पकड़ने की परमिशन दे दी जाती थी, इवन इन वॉर के टाइम भी। तो एक तरह का कस्टम जो चल रहा था, और ये इसको कस्टम्स में भी आ सकता है, उसको जनरल प्रिंसिपल रिकॉग्नाइज सिविलाइज्ड लॉ भी आ सकता है, दोनों चीजों में ये आ सकता है। अब एक दूसरा केस हुआ था पुर्तगाल वर्सेस इंडिया 1966 इंटरनेशनल कोड ऑफ स्टेट्स, राइट ऑफ पैसेज ओवर इंडियन टेरिटरी। वहां क्या हो रहा था, पुर्तगाल वाले जो लोग थे वो दमन एंड दीव, जब उन्हीं की एरिया थी, वहां से वहां के लिए जाते थे शिप्स को लेकर। वो इंडिया का एरिया था तो वहां से लेके जा रहे थे, कभी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बाद में क्या हुआ, थोड़ा डिस्प्यूट होने लगा तो इंडिया ने मना कर दिया, तो पुर्तगाल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में गए, उन्होंने केस करा, उन्होंने कहा आप ऐसा नहीं कर सकते। तो कोर्ट ने हेल्ड किया, देखिए इंडिया से कहा कि आप कर तो सकते हो, आप करो, लेकिन पुर्तगाल से कहा आप लेके जाओ, लेकिन आप वॉरशिप वहां से नहीं लेके जाओ। तो वॉरशिप, क्योंकि वॉरशिप अगर ले जाने की परमिशन दे दी उनको, इंडिया को वैसे ही डर है आपसे कि आप उन पर यूज कर लोगे, तो आपका कस्टमरी राइट है बिल्कुल है, लेकिन वॉरशिप आप नहीं ले जा सकते, तो ये चीज मना करी गई। फिर अगला इंटरनेशनल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स की बात करें तो इंटरनेशनल कस्टम्स होता है। इंटरनेशनल कस्टम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, कन्वेंशन, ट्रीटीज, कैसे चीजें चलनी है, ये सब चीजें इंटरनेशनल कस्टम्स के बारे में, कन्वेंशन के बारे में बात करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है हमारे इंटरनेशनल लॉ का।
कि जिसमें जो चीजें हमें करनी है और कैसे क्या है, ये सब चीजें हमको करनी है। मोस्ट इम्पोर्टेंट में कन्वेंशन, ट्रीटीज कौन कौन सी हो रही है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। अगर आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ बिजनेस की बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन सबसे इम्पोर्टेंट पोजिशन में आता है, क्योंकि आपस में दो कंट्रीज ने कोई ट्रीटी साइन करी है, कोई कन्वेंशन साइन किया है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट इंटरनेशनल सोर्स है। फिर तीसरा है जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड स्टेट। जैसे कोई प्रिंसिपल ऑफ लॉ है, जैसे पैक्टा सुम सर्वेंडा है जो रोमन लॉ से लिया गया है, दो कंट्री ने कोई एग्रीमेंट करा है तो वो लोग मानेंगे, उसी हिसाब से नेचुरल जस्टिस का रूल उन पे लगेगा, प्रेस्क्रिप्शंस का रूल लगेगा। तो कोई ऐसा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ जो बहुत सारे स्टेट्स मान रही हैं, वो भी एक इंटरनेशनल लॉ का पार्ट हो गया। फिर अगला चौथा पार्ट हो गया डिसीजन ऑफ जुडिशियल और आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल एंड जुरिस्टिक वर्क। तो कोई डिसीजन है जुडिशियल ट्रिब्यूनल का, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल का या जुरिस्टिक वर्क का, ये सभी अपने आप में एक सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ है। लेकिन प्राइमरी की बात करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें, तीन आएंगे, उसके बाद ये इसकी पोजिशन थोड़े पीछे है। फिर डिसीजन और डिटर्मिनेशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन। तो स्टार्टिंग में ये एक तरह से कोई सोर्स नहीं था, लेकिन आज के समय पर ये भी एक सोर्स बन गया है। तो ये प्राइमरी नहीं है, ये डायरेक्ट सोर्स है, ये इनडायरेक्ट सोर्सेज है, और ये आ जाएंगे अदर सोर्सेज की कैटेगरी में। अदर सोर्सेज में क्या, इंटरनेशनल कम्युनिटी, आपस में कोई दो स्टेट किसी पर्टिकुलर मैनर में बिहेव कर रहे हैं तो वो आ जाएगा इसमें। स्टेट पेपर्स क्या होते हैं, कोई एमओयू होता है, कोई साइन कर दिया, वो भी आ जाएगा इसमें। कोई चीज नहीं मिले तो इक्विटी जस्टिस के बेसिस में ही चीजों को सॉल्व कर दिया। तो ये चीजें हैं, तो इंटरनेशनल लॉ जितने कम समय में बता सका आपको बताया, और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिंदी में भी देख सकते हैं आप लोग, इसकी पीडीएफ आप चाहेंगे तो जियारा बड्डा के ऐप में आपको मिल जाएगी। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे आर्टिकल की बात कर रहा था, आर्टिकल 38 ऑफ इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, ये इसी सोर्सेस के भी बात करता है। द कोड व्हिच फंक्शन इज टू डिसाइड अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल डिस्प्यूट आर सबमिटेड टू ऑल। तो सबसे ऊपर इसने इंटरनेशनल कन्वेंशन को रखा है, वेदर जनरल और पर्टिकुलर स्टेबलाइजिंग रूल एज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंटेस्टिंग स्टेट्स। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर की बात करें, फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये हो जाएगा, उसके बाद इंपॉर्टेंस की बात करें तो इंटरनेशनल कस्टम जो प्रथाएं चल रही हैं वो, फिर तीसरा जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ रिकॉग्नाइज्ड बाय सिविलाइज्ड स्टेट, फिर चौथा बात करता है जुडिशियल डिसीजंस एंड द टीचिंग ऑफ द मोस्ट हाईली क्वालिफाइड पब्लिसिटी ऑफ द वेरियस नेशन एज सब्सिडियरी मीन। लेकिन ये सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 59 है, ये कहता है डिसीजन ऑफ द कोर्ट हैज नो बाइंडिंग फोर्स एक्सेप्ट बिटवीन द पार्टीज इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर केस। तो इन्होंने ये बात कही, डिसीजन तो दिया लेकिन एक प्रेसिडेंट नहीं हो जाएगा कि हर दूसरे केस में भी उसको फॉलो करना है, ये उनके लिए नहीं है। ये जो केस आया है उस पर्टिकुलर केस से दोनों पार्टीज के लिए ऑब्लिगेशन है और पर्टिकुलर केस के लिए ऑब्लिगेशन है, ये नहीं कि इसमें प्रेसिडेंट का रूल नहीं लग जाएगा जैसे हमारे सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट्स में लगता है, वहां पर ये रूल नहीं अप्लीकेबल होगा, ये कहना जाता है। अगला कहता है द प्रोविजन शैल नॉट प्रोड्यूस द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड द केस एक्स एक्वा एड बोनो इफ द पार्टी। अगर पार्टीज चाहें तो ऊपर की चीजों को भी ओवरकम करके रूल ले सकती हैं, ये होता है एक्स एड बोनो, एक्स एक्वा एड बोनो बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजन है। देखिए एक्स एड बोनो आफ्टर एनुमरेटिंग द सेक्शन ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन आर्टिकल 38 क्लॉज 1, इसमें क्या हुआ, द प्रोविजन शैल नॉट प्रोड्यूस द पावर ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड अ केस एक्स एड इफ द पार्टी, ये हेल्ड किया गया इन दिस केस वेयर द पार्टीज आर एग्री दैट इट मे डिसाइड एक्स एक्वा एड बोनो द प्रोविजन इन द स्टैट्यूट वुड सून टू इनेबल टू द कोर्ट टू गो आउटसाइड द रिम ऑफ द लॉ फॉर रीचिंग ए डिसीजन इट रिलाइज। मतलब कोई पार्टीज टू द कोर्ट एग्री कर सकती हैं द प्रोविजन जो स्टैट्यूट वुड सीम टू इनेबल द कोर्ट टू गो आउटसाइड द रिम ऑफ द लॉ, मतलब कि जो आपका पहले से प्री डिसाइडेड लॉ है उससे बाहर जाकर भी आप रिजल्ट दे रहे हैं। Enable a court to go outside the realm of the law for reaching its decision. It relieves the court from necessity of deciding according to the law. ये जो law से तो इस behavior से case को decide करता उससे बिल्कुल अलग हो जाता है, ठीक है, कि मतलब एक पर्टिकुलर लॉ है, अगर उन्होंने आपस में पार्टीज ने कहा कि मुझे बिल्कुल अलग तरीके से केस को डिसाइड कराना है, मुझे लॉ को नहीं मानना, अगर वो एग्री है तो ठीक है। पढ़िए इन दिस केस वेयर पार्टीज आर एग्री दैट इट मे डिसाइड एक्स एक्वा एट बेन The provision in that statute would seem to enable the court to go outside the realm of the law for reaching a decision. It relieves the court from necessity of deciding the case. ये court को relieve कर देता है for deciding according जो particular law है उसको आप overcome करके भी कर सकते हैं, लेकिन ये proper होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि unfair, unfair नहीं हो सकता, जो particular ऊपर sources है उसको हटा कर चीजों को solve कर सकते हैं। It make possible a decision based upon circumstances of fair dealing and good faith, which may be independent or even contrary to the law.
एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल कैन डिसाइड अ डिस्प्यूट, एक इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल है वो डिस्प्यूट को डिसाइड कर सकता है एक्स एक्वायर्ड बाय लॉ एंड गो आउटसाइड द रिलम ऑफ लॉ, और लॉ के रिलम के बाहर हो जाएगा। ओनली सच पावर हैज बीन कन्फर्ड ऑन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टी, ये रीजन। इट मेक पॉसिबल डिसीजन जो है कंसीडरेशन फेयर डीलिंग को ध्यान में रखते हुए, गुड फेथ को ध्यान में रखते हुए, जिसमें भी इंडिपेंडेंट और इवन इंडिपेंडेंट भी हो सकता है, लॉ से कॉन्ट्रेरी भी हो सकता है। ये चीजें समझ में आए इतनी चीजें, तो एक्स एट एक्वा एट वेनो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आ सकता है एग्जाम। अलग क्वेश्चंस मैंने जैसे कि आपको बताया, तो कुछ क्वेश्चंस भी मैं डील करूंगा, पर्टिकुलर यूनिट्स, एक टॉपिक, एक कुछ क्वेश्चंस। तो बताइए, इंटरनेशनल कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ द लॉ, एज दर्शन है रीडर, इंटरनेशनल कन्वेंशन हैज जेनरिक विस्टम, बताइए ए एन आर आर द ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए एन आर द ट्रू बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ए इज ट्रू आर इज फॉल्स, ए इज ट्रू आर इज ट्रू, बताइए ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, जल्दी जल्दी बताइए। अब देखिए, इंटरनेशनल कन्वेंशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लॉ, आपका आंसर इसका हो जाएगा, देखिए बिल्कुल सही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल, बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है जेनरिक विजडम, ये भी बात सही है, लेकिन एक्सप्लेनेशन सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे उसका रीजन होना चाहिए, क्योंकि जब भी आप एजर्सन और रीजन की बात करें तो बिकॉज आना चाहिए, अगर बिकॉज के पास का रीजन नीचे लिखा है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, कि कन्वेंशन की अपनी एक चीज है, अपनी एक रेलिवेंसी है, कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, वो सब चीजें होती, तो यहाँ पे जेनरिक विजडम सिंपल टर्म कह दिया गया, इसलिए नहीं। अब क्या होता है कन्वेंशन विजडम, जेनरिक विजडम, इट इज अ कलेक्शन ऑफ सेइंग एंड बिलीव दैट आर कंसीडर्ड टू बी द ट्रू, सम एग्जांपल ऑफ कन्वेंशन विजडम इंक्लूड बोथ ब्लड इज थिकर देन वाटर एंड फर्स्ट इंप्रेशन आर एवरीथिंग, तो कन्वेंशन विजडम का मतलब जनरल विजडम्स, तो एक जनरल विजडम तो है लेकिन एप्लीकेबल इतना हद तक नहीं, रीजन नहीं है उसका, ठीक है। ऑन विच डेट द ड्राफ्ट कन्वेंशन ऑन टेरिटोरियल असाइलम वॉज एडॉप्टेड बाई जनरल असेंबली ऑफ यूनियन, किस डेट को जनरल ड्राफ्ट कन्वेंशन टेरिटोरियल असाइलम का वो जनरल असेंबली के द्वारा हो गया, ठीक, बताइए। देखिए इसका आंसर हो जाएगा 10th of December 1970। तो देखिए पैर टेरिटोरियल असाइलम होता क्या है, असाइलम का मतलब क्या होता है, शेल्टर देना, आप कहीं से आ गए हो तो आपको शेल्टर देना, तो टेरिटोरियल असाइलम का मतलब होता है कि अपनी जहां पर जो कंट्री की ने अपनी टेरिटरी में आपको दिया है, तो टेरिटोरियल, एक एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम होता है, कंट्री अपनी जगह ना देखकर अपने आपको कोई एम्बेसी में दे दे जाके, अपनी ही एम्बेसी या अपनी कोई वॉरशिप में दे दे जाके, तो वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल असाइलम, तो जो ड्राफ्ट कन्वेंशन है टेरिटोरियल असाइलम का 10 दिसंबर 1974 को साइन हुआ, ठीक है। ऑन विच डेट द वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन केम इंटू फोर्स, कौन सी डेट को जो वीना कन्वेंशन ऑन डिप्लोमेटिक रिलेशन का वो केम इंटू फोर्स आया, लेकिन थोड़े क्वेश्चन में बिल्कुल भी वो भी नहीं, बिल्कुल ही रिपीटेड देखिए नहीं होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन आउट ऑफ द बिल्कुल उसी से पीवाईक्यू से रिपीट नहीं करे जाते हैं, तो मैं कुछ क्वेश्चन को मैं दूसरी जगह जो स्टेट्स में असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हैं, ये मेरे हिसाब से मैंने महाराष्ट्र के असिस्टेंट प्रोफेसर से निकाले, तो वहां से भी क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है, तो मैं मिला के क्वेश्चन को लाता हूँ आप लोगों का।
कि कभी कुछ क्वेश्चन वहां से आ जाएंगे, कुछ क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के आ जाएंगे। ठीक, तो इसका आंसर हो जाएगा वही अप्रैल 24, 1964, वीना कन्वेंशन होता क्या डिप्लोमेटिक रिलेशंस का, जो वीना कन्वेंशन डिप्लोमेटिक रिलेशन का 24 अप्रैल 1964 को आया। यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस हुई डिप्लोमेटिक इंटरपोस एंड इम्यूनिटीज में, अडॉप्टेड द कन्वेंशन इन द वीना ऑस्ट्रिया फ्रॉम मार्च 2 टू मार्च 14। कन्वेंशन इंक्लूड द फॉलोइंग लीगल इम्यूनिटी, डिप्लोमेट आर ग्रांटेड लीगल इम्यूनिटी सो दैट दे आर नॉट सब्जेक्ट टू प्रोसिक्यूशन बाय द होस्ट कंट्री। ठीक, डिप्लोमेट आर कंसीडर, देखो लीगल इम्यूनिटी दी गई, जो डिप्लोमेट्स है उनको लीगल इम्यूनिटी दी गई कि उनको होस्ट कंट्री में पकड़ा ना जाए इस टाइप की, क्योंकि आप उस होस्ट पर कंट्री में गए तो आपको ये ना पकड़ा जाए, इस तरीके की लीगल इम्यूनिटी। आर कंसीडर इन कैन नॉट बी अरेस्टेड, उनको अरेस्ट नहीं किया, डिटेन नहीं किया, प्रोटेक्शन होस्ट नेशन आर रिक्वायर टू प्रोटेक्ट डिप्लोमेट फ्रॉम अटैक ऑन द डिग्निटी, उनके जो डिग्निटी और फ्रीडम पर अटैक नहीं होगा। कन्वेंशन रिड्यूस द कैटेगरीज ऑफ डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कैटेगरीज बहुत सारी थी उसको तीन कैटेगरीज में बना दिया, तीन कैटेगरीज ऊपर बताई। इंटरनेशनल कस्टम यूज टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ इन द पास्ट, द डेवलपमेंट ऑफ कस्टम इज वेरी स्लो एंड कंपेयर टू रैपिड चेंजेस मेड टू द ट्रीटी, इसका आंसर बताइए। ठीक, देखो इंटरनेशनल कस्टम्स टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट, सर बिल्कुल सही है, इंटरनेशनल लॉ इन द पास्ट बिल्कुल सही, क्योंकि अगर आज के समय में बात करें तो इंटरनेशनल कन्वेंशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये बिल्कुल सही है। इन डेवलपमेंट ऑफ कस्टम बिल्कुल स्लो है एंड कंपेयर टू रैपिड चेंज में, बिल्कुल सही, दोनों बात बिल्कुल सही है कि कस्टम्स का डेवलपमेंट होता तो लेकिन धीमे धीमे, एक तुरंत नहीं हो जाता, लंबा लॉन्ग ड्यूरेशन चाहिए होता है। एंड कंपेयर टू इट रैपिड चेंजेस मेड थ्रू ट्रीटी, जो ट्रीटी से जो हो रहा है उसको चेंजेस भी करना पड़ता है, ट्रीटी ने कोई बात कही ज्यादा इंप्लीमेंट कर जाती है, तो इसलिए बी फिर ऑप्शन सही है, क्योंकि रीजन इसमें नहीं, क्योंकि ये रीजन थोड़ी ना, अगर रीजन होता तो बात होता, रीजन है ही नहीं, इसलिए ये इसका इसका फोर्थ का भी आंसर होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द चीफ एक्सपोनेंट ऑफ द थ्योरी ऑफ द कंसेंट रिगार्डिंग द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल लॉ, बताइए। देखिए क्या होती है थ्योरी ऑफ कंसेंट, जैसे इंटरनेशनल लॉ इंडिया पे लगना है या बेसिस क्या, मतलब ये कहना है कि इंटरनेशनल लॉ को क्या बेसिस है, तो जो कंट्रीज हैं वो अगर कंसेंट देगी तब हम पे लगेगा, तो थ्योरी ऑफ, अगर वो कंसेंट देगी तभी लगेगा, तो ऐसे नहीं लगेगा, तो इसका हो जाएगा एंजिलोथी ट्राइपेल एंड ओपिनियन, ये इसके तीनों स्कॉलर्स हैं। ट्राइपेल एंड एंजिलोथी आर द एक्सपोनेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरी ऑफ द जैसे बिटवीन इंटरनेशनल और म्युनिसिपल लॉ, ये बताइए किसके हैं, बताइए ट्राइपेल एंड एंजिलोथी कौन से रिलेशन थ्योरी के वो हैं, रिलेशन एक्सपोनेंट किस थ्योरी के हैं,
देखिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूलिज्म, क्योंकि ड्यूलिज्म भी कहते हैं कि जो इंटरनेशनल लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ अलग अलग है, ये एक नहीं है, जबकि वो कहते हैं मोनिज्म थ्योरी कहते हैं ये एक है, तो ये कंप्लीट अपोजिट टू है ड्यूलिज्म थ्योरी, ठीक है। इन्होंने कहा दोनों से डिफरेंट है। इसकी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूँ ट्रिक क्या है इसमें, था मैंने ट्रिक बनाई थी कि देखो ड्यूलिज्म क्या है, वो अपोजिट टू मोनिज्म है, अपोजिट टू मोनिज्म है, और इसको बनाया कि ट्राइपल या नॉन जीरो, तो हमने लिखा था धोखा दिया एटीएम, इसको कह सकते हैं धोखा दिया एटीएम ने, तो धोखा का ड्यू से ड्यूलिज्म हो गया, ए से एंडी जो होती, टी से ट्राइपल, इस तरीके से, ठीक। सेवन, विच ऑफ द फॉलोइंग जूरिस्ट डिनाई द लीगल कैरेक्टर ऑफ इंटरनेशनल। देखिए, मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, इसका आंसर आप मुझे, आप लोग देते नहीं हो लेकिन तब भी मेरा काम है कहना, आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं चाहता हूं आप इसको सर्च करो, एग्जाम थोड़ा दिमाग लगाओ, ताकि आपको क्वेश्चन हमेशा के लिए याद हो जाए। मैं अपने जो पेड स्टूडेंट्स हैं, जो लोग स्टूडेंट मेरे बैच में, उनसे भी कहता हूँ थोड़ा क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पढ़ने की कोशिश करें, तो मैं उनसे भी एक बार कहता हूँ थोड़ा क्वेश्चन जो मैं कहता हूँ वो बात करते हैं, आप लोग भी करेंगे, इसको पढ़िए, डेन लीगल कैरेक्टर किसने दिया, नेट पे सर्च करिए, दिमाग में कहीं ना कहीं अलग तरीके से चीजें करिए, तब एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा याद आएंगे। इसका आंसर मैं आपको कल बताऊंगा, कल इट मीन्स मैं मंडे को बताऊंगा, ठीक है। देखिए, मेरी मैंने आपको बता दी, मेरी क्लासेस मंडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, और सैटरडे संडे को जो मैंने मैराथन दी वो तो मुझे होंगी ही होंगी, ठीक है। तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, मेरा चैनल ज्वाइन कर लीजिए यूजीसी नेट टेलीग्राम चैनल, ताकि आपको कोई भी अपडेट होती रहेगी मैं देता रहूँ, ठीक है। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो जियारा बट्टा के ऐप में चले जाएगी, इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है।